वेलकम टू कैरियर्स पार्क। कल से ही लोगों को इंतजार था कि सोमवार सुबह तक आवंटन जिला सूची जारी हो जाएगी, लेकिन सुबह तक अभी नहीं हुई है। उम्मीद है कि दोपहर तक हो जाएगी। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में नेता शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज को देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट सबसे पहली खबर यही है कि शिक्षक भर्ती का जिला आवंटन आज हो जाएगा। यह जो देरी हो रही है वह 26 मई से 28 मई तक जो 2 दिन का मोबाइल संशोधन का जो टाइम बढ़ाया गया था उसकी वजह से ये देरी हो रही है। गौरतलब है कि भर्ती के लिए आवेदन करने वाली 1,36,621 अभ्यर्थियों में से जिसका नाम जिला आवंटन सूची में होगा उन्हें ही 3 से 6 जून तक जिलों में ही होने वाली काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। 1,36,621 में से 69,000 अभ्यर्थियों को पहले जिला आवंटन किया जाएगा, उसके बाद जब सीटें बचेंगी तब नेक्स्ट अभ्यर्थियों को जिला आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट दिव्यांगों को 4 नहीं 3% आरक्षण मिलेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति थी कि उन्हें 4% आरक्षण मिलेगा, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद के सूत्रों का कहना है कि दिव्यांगों के लिए केवल 3% ही आरक्षण मान्य है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। जिला आवंटन लिस्ट में गुणांक व कैटेगरी जारी करने की भी मांग हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि किस वर्ग में कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, आप हमको कैटेगरी करके बताएं कि इसमें किसी प्रकार की धांधली तो नहीं हो रही है। इसके अलावा भी मांगे की जा रही है कि 2015 के जो बैक सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं और जिनका परिणाम 2019 में घोषित हुआ है, CTT दिसंबर 2018 के अभ्यर्थी जिनका परिणाम 4 जनवरी को घोषित हुआ है उनको भी नियुक्ति पत्र न दिया जाए। इसके अलावा BEd के अपियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो सुपर टेट में पास हो गए हैं और जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया है उनको भी इस भर्ती में प्रतिभाग न करने दिया जाए। इसके अलावा 68,500 में चयनित शिक्षकों को भी NOC न देने और प्राप्तांक पूर्णांक की गलती करने वालों को शामिल न करने की मांग की है। कुछ अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, जबकि कुछ अभ्यर्थी प्राप्तांक और पूर्णांक में जो मानवीय गलती हुई है उनके लिए उनको संशोधन का मौका मिले, इसके लिए भी धरने दिए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। सूची जारी होगी तो विभिन्न जिलों में पहुंचेंगे तो वे कहाँ ठहरेंगे, किस प्रकार से उनका ये सब व्यवस्था की गई है, तो इस प्रकार की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जिन अभ्यर्थियों का दूर जिलों में नंबर आएगा उनको वहाँ रहने की कोई व्यवस्था की गई है या नहीं। इसके अब बात कर लेते हैं जाति और निवास प्रमाण पत्र के बारे में। जाति और निवास प्रमाण पत्र के बारे में अलग अलग जिलों में अलग अलग टाइम के हिसाब से कुछ जिलों में समय सीमा दी गई है कि आपका 2018 का हो, और कुछ जिलों में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो फिर सभी को शुभकामनाएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।